कोई सफलता पर क्या संदेश है अपने लोगों के लिए, जो खासतौर पे आज आपके एक आह्वान पर लाखों लोग की जो संख्या में जुटे थे, उनके लिए क्या संदेश है? मैं जितने इस कार्यक्रम में, ऐतिहासिक कार्यक्रम में जितने लोग सम्मिलित हुए, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि भविष्य के भारत का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है आज, उसके वो गवाह बन। ये केवल एक जयप्रकाश नारायण के मूर्ति के अनावरण का ही कार्यक्रम गृह मंत्री जी भारत सरकार के अमित भाई शाह के ही द्वारा नहीं था, मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में। यह जयप्रकाश नारायण के सपनों के भारत बनाने का एक उस केंद्र का आज ऐतिहासिक दस्तावेज पर लाखों जनता ने हस्ताक्षर किया, जो भविष्य के भारत के, जयप्रकाश नारायण के भारत को मुकाम तक पहुँचाएंगे। मान ली मुख्यमंत्री जी भी आप आज आपके आयोजन में, तो हमको लग शताब्दी में उनका पहली बार आगमन हुआ था, उसको लेकर क्या रहा? महाराज जी ने हमसे बातचीत हुई थी, तो बगल ये दीवार, इस दीवार के बाद उत्तर प्रदेश आता। आज उन्होंने कहा भी कि बिहार के सीमा में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने का वचन देता हूँ और वो पूरा करेंगे। सर अमित शाह जी का क्या रहा आज के कार्यक्रम में, क्या उन्होंने कहा? वो तो जो उन्होंने कहा आपने सुना, बेहतर के लिए, ट्रस्ट के बेहतर के लिए। वो तो जितनी योजनाएं भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उनकी कैबिनेट ने पास किया, उनको क्रियान्वित करने का उन्होंने दोहराया कि ये भारत के लिए और जयप्रकाश नारायण के सपनों के भारत बनाने के लिए एक संकल्प केंद्र होगा। चलिए, सांसद जी ने कहा कि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने इस शताब्दी दियारा धरती पे आकर जेपी के सपनों को और बेहतर बनाने और साकार कराने की बात कही, आज का अवसर बड़ा ही बेहतरीन रहा, क्योंकि आज इस जेपी की धरती यानी शताब्दी दियारा में लाखों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे और देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने उनके विचारों को सुना। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे बलिया स्थित है, विकास की जहां तक बात कही, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बलिया हमेशा विकास पर रहा है और आगे भी रहेगा। तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल, बलिया आजकल। मैं रोशन जसवाल, नमस्कार।